बार हल्दी लगने जा रही है। ईशान के नाम की हल्दी उर्मी के चेहरे को और खिला खिलासा कर देगी। आज उसके घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशियों का इजहार हो रहा है और नाच गाना वो तो खूब हो रहा है। सम्राट से जुदा हो चुकी उर्मी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है और इसीलिए तो अपनी दूसरी शादी की तैयारियां धूमधाम से कर रही है। अच्छा है, जिंदगी आगे बढ़ रही है, इट्स नाइस। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि शौरी को एक पिता मिलने वाला है बहुत जल्द, एक ऐसा पिता जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है, जिसे वो पिता बनाना भी चाहता है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मैरिज फॉर शौर्य। हल्दी रंग को तो और निखारती ही है, कभी कभी रंग बिगाड़ भी देती है, जैसे कि ईशान की मम्मी का चेहरा बिगड़ गया है। जैसे ही उन्होंने ये सुना कि उर्मी पर लगी मेहंदी, ईशान को लगेगी उन्हें ये सब कुछ काफी अनहाइजीनिक लगा। क्यों मम्मी की? उर्मी की हल्दी में एक बिन बुलाया मेहमान भी आया है, जिसने तानों की बरसात कर दी है। हमें यकीन है कि ससुराल पहुँचते पहुँचते ये जनाब उर्मी को खूब तंग करेंगे। हल्दी का फंक्शन है और सारे पुराने लोग हमें वापस मिल रहे हैं। मेरे मम्मी पापा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लीप के बाद वो आए नहीं थे, झांसी में थे, शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम। आपकी नई नई शादी के लिए हमारी ओर से भी शुभकामनाएं लेते जाइए उर्मी। वी जस्ट होप कि बिना किसी अड़चन के ये शादी भी हो जाए और आपकी और शौर्य की जिंदगी फिर से संवर जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।